नमस्कार किसान साथियों साथियों आज अपन बात करेंगे चिया बीज की खेती कैसे करें और साथियों जानेंगे कि चिया बीज क्या काम आता है। किसान मित्रों सबसे पहले बात करते हैं चिया सीड की, तो साथियों इसमें ओमेगा 3 वसा, साथ ही एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही इसमें काफ़ी सारे पोषक तत्व भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। साथियों चिया बीज का उपयोग औषधियों के रूप में भी किया जाता है। किसान मित्रों बात करें चिया बीज की खेती के बारे में, तो साथियों यह एक रबी मौसम की फसल है, इसकी खेती आप अक्टूबर नवंबर माह में कर सकते हैं। किसान मित्रों बात करें चिया बीज के लिए आवश्यक जलवायु की, तो साथियों इसके लिए मध्यम जलवायु की आवश्यकता होती है। राजस्थान मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के लिए इसकी खेती उपयुक्त मानी गई है। बात करें मिट्टी की, तो साथियों चिया बीज की खेती वैसे सभी प्रकार की मिट्टी में अपन कर सकते हैं, लेकिन रेतीली बलुई दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 7 के मध्य हो इसकी खेती के लिए अच्छी मानी गई हैं। साथ ही खेत की तैयारी के समय आप एक जुताई गहरी जुताई करें, साथ ही एक दो जुताई मिट्टी पलटने वाले हल करने के बाद पाटा चला करके खेत को समतल करके भुरभुरा बना लेवे। अब साथियों बात करें बीज दर की, तो साथियों चिया बीज के लिए आप 1 से 1.5 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ काम में ले सकते हैं। बात करें बुआई के समय की, तो साथियों चिया बीज की खेती आप अक्टूबर नवंबर माह में इसकी बुआई करें, और साथियों इसकी बुआई 2 विधियों से कर सकते हैं आप, लाइनों में और छिड़काव विधि से इसकी बुआई कर सकते हैं। अगर आप लाइनों में बुआई करें तो लाइन से लाइन की दूरी आप 6 सेंटीमीटर रखें, वहीं पौधे से पौधे की दूरी आप 15 सेंटीमीटर रख सकते हैं। अब किसान साथियों बात करें पोषक तत्व मैनेजमेंट की, तो साथियों इसमें फर्टिलाइजर मैनेजमेंट में साथियों सबसे पहले जब आप खेत की तैयारी करें तो 4 से 5 टन वर्मी कंपोस्ट खाद को अच्छी तरह से भूमि में मिला लेवें, साथ ही 40 से 50 किलोग्राम नाइट्रोजन और 20 से 25 किलोग्राम फॉस्फोरस और 10 से 15 किलोग्राम पोटाश आप प्रति एकड़ काम में ले सकते हैं। किसान साथियों जब भी आप चिया बीज की खेती करें तो आप सीड ट्रीटमेंट जरूर करें, इससे साथियों आपकी फसल 1 से 1.5 महीने तक कीटों और रोगों से सुरक्षित रहेगी। बात करें कीटों और रोगों की, तो साथियों चिया बीज में ज़्यादा रोगों और कीटों का प्रकोप देखने में नहीं मिलता है। इसके अलावा इसमें कटवा कीट जब शुरुआती अवस्था में अंकुरण होती है तो कटवा कीट का प्रकोप जरूर देखने में मिलता है, तो साथियों उसमें आप क्यूनाल पोस्ट पाउडर का काम में ले सकते हैं। किसान साथियों अब बात कर लेते हैं सिंचाई की, तो साथियों जो कि चिया बीज है इसमें ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लगभग 2 से 3 सिंचाई में इसकी फसल अपन आसानी से ले सकते हैं। साथियों इस प्रकार चिया बीज की खेती कर आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, और यह चिया बीज की फसल लगभग 115 से 120 दिन के आसपास में पककर तैयार हो जाती है। और साथियों अगर हम वैज्ञानिक विधि अपना करके इसकी खेती करें तो लगभग 6 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ इसकी पैदावार ले सकते हैं। इस प्रकार साथियों अगर हम इसके मंडी भाव की बात करें तो इसके बीज 1,000 से 2,000 किलो के भाव से बिकते हैं। इस प्रकार साथियों आप चिया बीज की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, साथ ही आप अपने स्वास्थ्य को भी अच्छा बना सकते हैं। इस प्रकार साथियों मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप नवाचार अपना करके खेती करें तो आप खेती को भी मुनाफा वाली खेती बना सकते हैं। इस प्रकार साथियों अगर आपको खेती बाड़ी से संबंधित कोई समस्या है या फिर कृषि विभाग की किसी भी योजना में अनुदान की लेने की जानकारी चाहिए, तो आप हमारे कृषि खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।